खबर भिवाड़ी से। आज भिवाड़ी में बीएसएनएल की अलवर टीम ने जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें, इस जागरूकता रैली में बीएसएनएल में कार्यकर्ता अलवर से अधिकारी सहित भिवाड़ी की बीएसएनएल टीम भी शामिल रही। इस जागरूकता रैली का उद्देश्य घर घर जाकर लोगों को बीएसएनएल की सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। आपको बता दें कि जब बीएसएनएल के अधिकारियों से बीएसएनएल के नेटवर्क का प्रयोग कर रहे लोगों ने कुछ सवाल किए तो उनका बीएसएनएल के अधिकारियों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, बल्कि उनका कहना था कि उनकी सर्विसेज बेहद अच्छी हैं। किंतु जब कस्टमर ये सर्विसेज से खुश नहीं है तो यह किस प्रकार की जागरूकता रैली है, जिसमें बीएसएनएल के अधिकारी बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के ही जवाब नहीं दे पा रहे। आपको सुनाते हैं कि बीएसएनएल के अधिकारी ने इस रैली में क्या कुछ कहा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम आरसी मीना, डीजीएम अलवर, बीएसएनएल से हूँ, आया हूँ। मेरी टीम के साथ पूरे एजीएम्स हैं, हमारे स्टाफ है अलवर से, और मेरे यहाँ का स्टाफ है, हमारे चैनल पार्टनर्स हैं। हम सब लोगों ने आज एक बीड़ा उठाया है कि आज हम एक उपभोक्ता जागरूकता रैली निकालने को आए हैं। हम डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारी बीएसएनएल की जो नई नई सुविधाएँ हैं जनता के बीच में, जैसे एफटीटीएच है, लीज लाइन है, ब्रॉडबैंड है, सिम सेल है, जो भी है हमारे प्रोडक्ट बीएसएनएल के, सारे आज हम पब्लिक के बीच में आए हैं। हम हमारे चैनल पार्टनर और हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें और हम इसके लिए डोर टू डोर मार्केटिंग और रैली निकालें। तो बीएसएनएल किस टाइप की सर्विस देगा? बीएसएनएल हमारी फाइबर सर्विसेज हैं, सारी सर्विस हैं। तो सर्विसेज तो आपकी चलती नहीं है? नहीं नहीं, फाइबर सर्विस हमारी बहुत अच्छी, आपको प्रिपेयर था वो हमारा पूरा रिप्लेस है। हमने उस पूरे जो हमारे नंबर थे उनको फाइबर हम चेंज कर दे सकते हैं। अभी हम फाइबर में आ गए हैं, पूरे माइग्रेट हो गए हैं कॉपर से पूरे। नहीं, आगे से बीएसएनएल क्या करेगी? अभी जो देख रहे हैं कि बीएसएनएल के अधिकारी जो होते हैं मनमाने, तब किसी का कनेक्शन काट देते हैं और इंटरनेट कनेक्शन तो आपका चलता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम खुद का चैनल है, हम भुगत भोगी हो रहे हैं, इसलिए तो हम जनता के बीच में आए ना। तो जनता क्यों अवेयर करेगी आपके आपके बीएसएनएल को जब और सर्विस है, क्योंकि आपके जो बीएसएनएल का जो सर्विस है वही ठीक नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, इस चीज़ के लिए आप भिवाड़ी में कहीं भी देख लो, सब यही हाल है। नहीं नहीं, ऐसा ये चीज सहमत नहीं हुए सर। सहमत कैसे, खुद आप भुगत भोगी पब्लिक? नहीं, चलो हम जो भी है प्रयास करेंगे उसको बेहतर बनाने के लिए जी। इसलिए भारत सरकार ने 1,65,000 करोड़ दिया है इसके लिए। हम पूरे इंडिया में सेचुरेशन प्लान आया हमारा जीएसएम, हम पूरे इंडिया में जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ नेटवर्क बीएसएनएल मिला है प्रोजेक्ट, और प्रयास कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में हमारा कवरेज मिले जी। सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और कुछ प्लान है आपके? हाँ, हम अभी फाइबर डाल रहे हैं गाँव गाँव में, हमारे टीआईपी बना रहे हैं चैनल पार्टनर, जिसमें बीएसएनएल का नो कैपेक्स नो ओपेक्स है, और हमारे चैनल पार्टनर है वो। अभी हमने पूरे भिवाड़ी पूरा रूरल एरिया हम फाइबर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे पब्लिक को नेट की सुविधा मिल सके जी। थैंक यू।